चल रहा है और जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो क्या रणनीति बन रही है आप लोगों की? ये पूरी जो जनता है, 42 गाँव की जनता जो यहाँ आज महापंचायत में इकट्ठी हुई है, ये जनता इन किसानों के खिलाफ नहीं है। खिलाफत इस बात की है कि ये परेशान हो रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के हकों का हनन कर रहे हैं। इनके हक हैं, आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, किसानों को भी अधिकार है, हम भी सब किसान हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। इस जनता का जो मार्केट वाले हैं वो परेशान हैं, गांव वाले हैं वो परेशान हैं, गांव में रोड ख़राब हो गए हैं, गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रात को कोई बच्चा या बुढ़ा पेशाब होने के लिए भी नहीं निकल सकता, उसको ये खतरा रहता है कभी ट्रक के नीचे आ जाऊंगा। कोई भी यहां सुखी नहीं है। इनके साथ में हम 2 महीने से इनका सहयोग कर रहे हैं, 2 महीने से हर आदमी हर गांव से इनका सहयोग कर रहा है। इन्होंने ये कहा था कि 26 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जाने के बाद ये पूरा रोड हम खाली कर देंगे, लेकिन दिल्ली जाके इन्होंने हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है। वो ये जनता, हिंदुस्तान के हर नागरिक वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, और ये वापस आके यहीं बैठ गए। ये अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो यहाँ ना तो सीएम है, ना प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठा हुआ है जो उसका घेराव करके बैठे हुए हैं। ये या तो जयपुर जाएं, संसद का घेराव करें, या फिर दिल्ली जाके लोकसभा का घेराव करें। यहाँ पर कौन सा इनका वो मकसद हल हो रहा है? यहाँ तो जो आम पब्लिक है उसको परेशान कर रहे हैं। आम पब्लिक को परेशान करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। आम पब्लिक इनके साथ थी पहले, अब आम पब्लिक इनके खिलाफ़ है कि ये आम पब्लिक अब ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अगर अब आम पब्लिक ने ये फैसला लिया है कि 31-30 तारीख तक को या तो ये अपने आप यहाँ से चले जाएं, या प्रशासन इनको हटा दे, या राजस्थान सरकार हटा दे, या हरियाणा सरकार इनको हटाए यहाँ से, नहीं तो 31 तारीख को फिर अपनी महापंचायत होगी और वो पंचायत जो फैसला करेगी, जो निर्णय करेगी, जो आगे की रणनीति बनाएगी, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। सभी गांवों की 42 गांवों की कमेटियां बना दी गई हैं, जिसमें वो 42 गांवों की कमेटियां आप अपने गांव का अपने अपने गांव से सभी लोगों को लेके आएंगे, और जो लोग वो लेके आएंगे उनकी जिम्मेवारी वो अपने आप वहन करेंगे, उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे, और एक ये पहले शांतिपूर्ण आंदोलन करके बातचीत के जरिए ये हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इनसे निवेदन करेंगे, प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि ये रास्ता खोल दिया जाए और जो आम जनता की परेशानियाँ हैं उनका समाधान हो। यदि ये समाधान नहीं हो पाएगा तो 31 तारीख की जो हम महापंचायत रणनीति तय करेगी उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। धन्यवाद।